भोपाल से बड़ी खबर, युवाओं को सीएम शिवराज आज सौगात देने वाले हैं। जॉब फेयर में चयनित उम्मीदवारों को वो नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्रमिक चौपाल में चयनित आवेदकों को योजनाओं के स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे। आज स्ट्रीट वेंडर्स से भी मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। तो आज सौगातों का सिलसिला, जॉब फेयर में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। और जॉब फेयर में जो चयनित उम्मीदवार हैं उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। श्रमिक चौपाल लगेगी, स्वीकृति पत्र बांटे जाएंगे। साथ ही साथ आज स्ट्रीट वेंडर्स से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवाद करेंगे। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, पूरी जानकारी विस्तार से, आज सौगात मिलेगी। जी ललित, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए आज बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसमें जॉब फेयर में सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री जो जॉब लेटर है वो देंगे। और इसके बाद जो युवा है, जहां जहां उनका प्लेसमेंट हुआ है, उसके जो ऑफर लेटर है वो आज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवाओं को देंगे। और आईटीआई सभागार में 11:30 बजे इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। और ललित, आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मध्य प्रदेश में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, और ऐसी जो ट्रेनिंग है, ऐसे रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे ताकि युवाओं को सही समय पर रोजगार मिल सके। और आने वाले दिनों में अगर जिक्र किया जाए तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में सरकार का पूरा फोकस युवाओं पर है, और इसी के चलते अब लगातार युवाओं को प्लेसमेंट किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो स्किल्स बढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग है वो भी युवाओं को दी जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल सके और अपने स्किल्स के हिसाब से युवा अपनी पसंद के हिसाब से जॉब भी ले सके। और आज बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें युवाओं को आज ऑफर लेटर दिए जाएंगे, और इसके बाद वो अपनी जो मनचाही जगह है वहां पर उनको जो पोस्टिंग है वो भी मिलेगी। और इसी के साथ ही आज दोपहर 3 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री निवास में स्ट्रीट वेंडर्स से भी चर्चा करेंगे, और हाथ ठेला वाले फेरी वालों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर उनसे सीधा संवाद भी करेंगे, और उसके बाद उनकी समस्याओं के साथ उनके समाधान के लिए जो कुछ घोषणाएं हैं वो भी की जा सकती हैं। लघु व्यवसाय के लिए जो सौगातें हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान फेरी वालों के लिए जरूर दे सकते हैं, यानी आज का दिन फेरी वालों और युवाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। ललित जी, जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। और अब भोपाल से बड़ी खबर, एनटीसीए की बड़ी बैठक होनी